हेलो फ्रेंड्स, आज टुडे वी टॉक अबाउट द स्टॉक. इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रा ग्रीन टेक. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू दैट इलेक्ट्रा इज दिस टाइम ट्रेडेड 1664. इट्स कॉल्ड 1664 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है. तो ये मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है और वीकली चार्ट में 1530 की एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. और जोन क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, कैसे हम इसकी एनालिसिस करते हैं और इसको जोन क्यों बोलते हैं, वो मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ. प्रैक्टिकली जब एक पर्टिकुलर लेवल जो होता है वो सिंगल पॉइंट पे बाजार वर्क नहीं करता, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाने के लिए दो लेवल या एक से ज़्यादा लेवल्स आसपास के कंसीडर करता है, तो उसको हम जोन कंसीडर करते हैं. इसको मैं डार्क कर देता हूँ तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मैं किसको जोन बोल रहा हूँ. दिस इज़ आ जोन. सो कहीं ना कहीं इस एरिया में देर इज़ अ इशू, देर इज़ अ सम बाइंग, देर इज़ अ सम डिमांड क्रिएटेड बाय द मार्केट. सो जब भी बाजार इस एरिया में आता है तो कहीं ना कहीं बाउंस अप हो जाता है, और बाउंस बैक होने के बाद बाजार में दोबारा से स्ट्रेंथ आ जाती है. तो यही इलेक्ट्रा ग्रीन टेक का भी है कि ग्रीन टेक इस एरिया में सपोर्ट ले रहा है. अभी रिसेंटली इसने सपोर्ट लिया, वीकली चार्ट के हिसाब से देखे तो अगस्त सितंबर सेकेंड और सितंबर फर्स्ट वीक में इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, तकरीबन 1530 को, और उसके बाद से बाउंस बैक हो गया है. तो मैं इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मानता हूँ. जो लोग भी लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं उन लोगों से कहूँगा कि अगर इलेक्ट्रा आपने होल्ड कर रखा है तो 1530 और नीचे का लेवल आता है 1470, यानी मैक्सिमम 1470 की सपोर्ट से अगर आप होल्ड करके रख रहे हैं तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, इसको होल्ड कर सकते हैं. अब एक और एनालिसिस का पार्ट मैं आपको सिखाता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि देर इज़ अ सर्टेन डाउन ट्रेंड विल वर्क. इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आ रहा था स्टॉक, और इसको मैं स्केच कर देता हूँ स्लाइड एट. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डाउन ट्रेंड है ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि नीचे अपने जो सपोर्ट्स लेवल है उनको ब्रेक नहीं कर रहा है बाजार. तो अगर सपोर्ट ब्रेक कर देता तो डाउन ट्रेंड फॉलो होता, तो अभी भी मैं बोलूँगा कि बाज़ार में रिकवर होने के चांसेस हैं, यानी कि स्टॉक रिकवर हो सकता है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक. और जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ है वो बने रहे अपने स्टॉक के अंदर. थोड़ा स्मॉल चार्ट में चलते हैं, डेली चार्ट के अंदर वी कैन चेक आउट दिस कि ये क्या कर रहा है. डेली चार्ट में मैं देखता हूँ तो वही जो मेरा एक फेवरेट पैटर्न है वो यहाँ शेप कर रहा है, और आप लोगों को भी जनरली इस तरीके के पैटर्न मिले तो आप उसको रिकॉग्नाइज किया करिए. यहाँ पे जो मुझे पैटर्न नज़र आ रहा है वो यू शेप पैटर्न है, तो मैं वो यू शेप की जो मोमेंट है वो बना देता हूँ. किस तरीके से ये यू बना रहा है वो आप देखिए. तो यहाँ से कर्व टूल को मैंने लेके इस तरीके से यू डिज़ाइन करेगा आने वाले टाइम में, जस्ट लाइक दैट. जस्ट अ मिनट. और दिस इज द बॉटम एरिया एंड दिस इज़ द रिकवरी पॉइंट. तो मुझे कुछ इस तरीके का यू शेप रिकवरी जो है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में दिखती है. तो आने वाले टाइम में अगर इस मोमेंटम में चलता है जो मैं देख पा रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि 1900 को दोबारा रीटेस्ट कर सकता है. ऑलरेडी सपोर्ट जोन से बाहर आया है, तो अभी जो एक एरिया है जहाँ पे बार बार दिक्कत दे रहा है, अगर आप देखें तो वो एरिया पे मैं मार्क कर रहा हूँ, और उस एरिया को अगर हम कंसिडर करते हैं तो दिस वक्त यानी कि अराउंड 1712 के आसपास कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस लेता है. तो जिन लोगों ने अभी तक एंट्री नहीं करी है इलेक्ट्रा ग्रीन ट्रैक में, वो इस एरिया को ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री बना सकते हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो 1700 को क्रॉस करने के बाद 1950 के आसपास दोबारा ट्रेड करने को मिलेगा. ये डेली चार्ट में शो हो रहा है. तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक इज़ अ पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है, और अगर हम करंट आज की कैंडल देखते हैं, आज है 18 सितंबर,
17 सितंबर, 17 सितंबर को भी 1677 के आसपास ट्रेड हो रहा है, और जैसे ही ये 1700 को क्रॉस करेगा और लार्ज वॉल्यूम के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये 1900 और 1950 की चाल की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो शॉर्ट टर्म गोल यानी कि 10 से 15 दिन में या एक महीने के अंदर हमें ये मूवमेंट दिखाई दे सकती है, और अगर हम इसको लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखें तो आने वाले टाइम में अगर ये 1900 को क्रॉस कर लेता है तो फिर 2200 एक लार्ज गोल जो इसका है वो अचीव करना शुरू कर देगा। इस तरीके से ये पाथ ड्राइव कर सकता है। अभी ये जैसे ये डाउन में है फ्लैटनेस, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये कंसोलिडेट हुआ और दोबारा से ये रिकवर होकर 2100 के आसपास जा सकता है। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न दिख रहा है मेरे को इलेक्ट्रा ग्रीन ट्रैक के अंदर। तो आप लोग भी अपने एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए। ऐसा नहीं है कि पहले इसने इस तरीके का वर्कआउट नहीं किया। अब यह देखिए यहाँ पे भी एक फॉल आया था, फॉल आने के बाद ये कंसोलिडेट हुआ था और दोबारा रिकवर करके अपना यू पैटर्न जो है इसने कंप्लीट कर दिया था। तो इसी तरीके का पैटर्न जो है ये दोबारा कंप्लीट कर सकता है, और उसके ब्रेकआउट के बाद 2200 के ब्रेकआउट के बाद इलेक्ट्रा में और तेज़ी आ सकती है। तो इसी एनालिसिस के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इलेक्ट्रा ग्रीन ट्रैक पर नज़र रखनी चाहिए अगर आप लोगों ने इसको नहीं परचेज़ किया।